हेलो, माय नेम इज अमिता जैन। आज मेरे साथ मिस्टर अशोक जी हैं, जो अराउंड 1 ईयर पहले मुझसे मिले थे। उस दौरान उनको फीवर फीवर के लिए मेरे पास आए थे, बट विद इन 3 to 5 days में उनका फीवर ठीक करने के बाद उन्होंने मुझे अगेन अप्रोच किया था फॉर दी ब्लड शुगर, बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल के लिए। उनका एक बार बायपास भी हो चुका है, एंड उसके बाद वो उस टाइम काफी सारी मेडिसिन पर थे, एंड नाउ वो खुद आपको बताएंगे कि किस तरह से वो मेडिसिन फ्री लाइफ अभी फुली एंजॉय कर रहे हैं। नाउ ओवर टू यू अंकल, प्लीज। हाँ, मेरा नाम अशोक प्रसारी है। मैं राउरकेला उड़ीसा में हूँ। मेरी एज अभी 67 ईयर्स है। करीब 1 साल पहले मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट किया था, तो उसमें आपका नंबर मेरे को दिया गया था कि मैंने आपसे कांटेक्ट किया था और आपने फिर उसके बाद में रिस्पॉन्स दिया था। उस वक़्त मेरे फीवर जो है ये पूरा जब प्राइम टाइम था कोरोना का, उस टाइम की बात है, सितंबर 2020 में, तब मेरे को हाई फीवर हो गया था। 102 103 तक फीवर हो गया था और ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम हुआ था, ज़्यादा तो नहीं कम हुआ था, हल्का कम हुआ था। तो उसके बाद मैंने आपसे डाइट प्लान लेके, लिक्विड डाइट प्लान जो आपने सजेस्ट किया वो मैंने चालू किया, और रेगुलर मैं अपना ऑक्सीजन लेवल और शुगर टेस्ट सारी, मैं डायबिटिक भी था उस टाइम में, तो सारी चीज टेस्ट डेली डेली बेसिस में मैं टेस्ट भी करता था एंड काफ़ी हद तक कंट्रोल कर हो गया था। और मैं उसके बाद में आपके डाइट प्लान को कंटिन्यू किया हूँ, आज तक मैं उसी डाइट प्लान पे चल रहा हूँ। लिक्विड की जगह खाली मैं प्लांट बेस्ड डाइट में आ गया हूँ, और मैं पिछले 1 साल से ऊपर हो गया मेरे को। मैं हर 3 महीने में मेरा टेस्ट कराता हूँ, ब्लड टेस्ट, सारे रिपोर्ट काफ़ी अच्छे नॉर्मल सारे रिपोर्ट आए हैं मेरे। और मैंने 3 3 महीने के बाद में दवाई भी जो ले रहा था मैं डायबिटीज़ की, वो मैंने कमती कर करके पूरी 3 महीने में बंद कर दिया उसको, और आज तक मैंने वो दवाई नहीं ली। और मेरा डायबिटीज जो है, शुगर जो है, वो नॉर्मल आ रहा है। और एंड आपका आपका डायबिटीज और बीपी कितने दिन पुराना, मतलब कितने साल पुराना था? डायबिटीज की था मेरा करीब करीब 20 22 साल से था मेरे को डायबिटीज। ओके, हाँ ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का जो मेडिसिन भी ले रहे थे आप, क्योंकि आपका बायपास भी हो चुका था, हाँ तो तो बस उसके लिए कोलेस्ट्रॉल की गोली जो डॉक्टर ने दी थी वो ब्लड पतला करने के लिए, वो भी अब मैं वो भी बंद कर चुका हूँ। वो भी अभी 6 महीने से नहीं खा रहा हूँ मैं। और मेरे सारी तबीयत अभी बहुत रिसेंटली, महीने भर पहले मैंने सारे टेस्ट कराए हैं, हार्ट के और ब्लड शुगर वगैरह सारी चीज़ टेस्ट कराई मैंने। इको टेस्ट भी हुआ मेरा, 2D इको, और एक्सरे भी कराया, हार्ट का ECG भी हुआ, सारा ही चीज़ हो गया टेस्ट। ऑल एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज ओके, दैट्स ऑलमोस्ट ग्रेट। नॉर्मल। आपका वैसे डाइट प्लान आप बताएं एक बार कि क्या लेते हैं बेसिकली, आप कैसे आप अभी अपना। अभी मैं सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो 10 बजे लेता हूँ, खाली फल खाता हूँ, उसमें डिफरेंट फल्स जो भी हैं, सीजनल फल्स खाता हूँ। और दोपहर में सलाद खाता हूँ मैं, ओनली सलाद, और शाम को 6 बजे करीब मैं कुक्ड फूड खाता हूँ, तो जो घर में बनता है, चावल है या रोटी है, और उसके साथ में जो भी वेजिटेबल्स हैं वो खाता हूँ बस। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे 10 बजे ही फिर खाना खा, मतलब ब्रेकफास्ट लेता हूँ। 16 घंटे का समझ लो आपके उपवास हो जाता है मेरा। फास्टिंग रहती है, तो बेसिकली हाँ आप जैसे अभी आपको 1 से 1.5 साल इसी डाइट पर हो गया, तो इस दौरान आपने कोई मेडिसिन लिया है, जैसे कभी कोल्ड कफ, फीवर, स्टमक डिसऑर्डर या कुछ भी नहीं, कोई एक्टिविटी कोई प्रॉब्लम हुआ? मेडिसिन कोई मेडिसिन नहीं लिया मैंने, और मेरे को कोल्ड वगैरह कुछ हुआ भी नहीं है इस 1 सवा साल के अंदर में। बिकॉज आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत हाई हो गया, आपका स्ट्रांग हो गया, आपका हाँ एनर्जी लेवल हाँ कैसा है एज आपका एज सिक्सटी एनर्जी सेवन बहुत, है? मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ ओके, और नहा धो के सवेरे करीब 8 8:30 बजे तक मैं योगा प्राणायाम
वगैरह करता हूँ, ध्यान करता हूँ, और उसके बाद मैं फिर 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, और रात को 7 8 8 बजे तक मैं ऑफिस में रहता हूँ। बीच में लंच के लिए आता हूँ 1 2 घंटे के लिए बस। और रात को भी सोने का टाइमिंग जो है वो मेरा बड़ा ऑड है, 11 साढ़े 11 बजे के पहले कभी नहीं सोता हूँ मैं। स्टिल यू और आर दिन फिट में एंड भी फाइन, स्टिल यू आर हाँ फिट एंड फाइन। यस और आप आपके नहीं, हमने गाइडेंस में मेरे को सारा बहुत अच्छा गाइडेंस दिया आपने, और इतने बढ़िया से आपने मॉनिटर किया कि मैं तो मेरे बेटी के समान समझता हूँ आपको एकदम, मैं और भी इतने बढ़िया से अंकल जी, आप हम देखो एक्चुअली डॉक्टर बियासी सर ने हमें एक ही चीज सिखाई है, जब भी आप पेशेंट ले तो आप ये सोचो कि अपने फैमिली मेंबर को ट्रीट कर रहे हो, और हम एक्चुअली में हाँ वही उसी उसी नहीं बेस पे कर आपने रहे हैं। एज अ फादर, अगर मैं आपका केस ले रही हूँ, एज अ फादर आपको मैंने ट्रीट किया है, कि जो भी मैं एडवाइस अपने फादर को करती हूँ वही एडवाइस मैंने आपको किया है। जो भी हाँ हम जैसे भी बिल्कुल केसेस आपने लेते हैं हम उसी बेसिस पे करते हैं कि हम अपने फैमिली मेंबर को ठीक कर रहे हैं, तो हम रॉन्ग हाँ एडवाइस कभी करते नहीं, और कभी निकलती भी नहीं है, मतलब कभी भी नहीं करते। नहीं आपने तो बिल्कुल वही किया, और वैसे ही आपने ट्रीट किया है, और अभी आप मतलब डॉक्टर बीआरसी सर के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं तो बोलूंगा कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, और यस लोगों के बीच में जो काम कर रहे हैं वो उनके काम को सब जगह मतलब रजिस्ट्रेशन हो उनका, यहाँ भी ये काम जो है, क्योंकि उनके जो कई तरह के विरोधाभास उनके प्रति तैयार हो रही हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे पैथी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों को बहुत ही कम खर्च में और इतनी बढ़िया इलाज करा रहे हैं, तो ये सेवा हम लोगों को हमेशा उनसे मिलती रहे, भगवान उनको मतलब इतनी शक्ति दें कि वो और ज्यादा जोर से काम कर सकें। एक्चुअली जो हमारा मोटो होता है कि बी योर ओन डॉक्टर, सर भी हमें यही सिखाते हैं कि अगर आपका पेशेंट आपके पास एक बार आ रहा है तो उसके बाद वो किसी के पास नहीं जाना चाहिए, इवन आपके पास भी वापस नहीं आना चाहिए। उसको आप हाँ इतना ट्रेन कर दो कि लाइक एक्यूट डिजीज, अगर आपने कोई भी पेशेंट अगर एक्यूट डिजीज को नॉर्मलाइज करना सीख लेता है विदाउट द मेडिसिन की, उसको बिना सरप्रेस करे आपको कैसे ठीक होना है, तो क्रॉनिक डिजीज आपको कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होती। हाँ क्योंकि एक्यूट डिजीज लाइक अगर आपको स्टमक डिसऑर्डर हो रहा है, या आपको वॉमिट हो रहा है, या आपको फीवर आ गया है, आपको कोल्ड हो गया, कफ हो गया, अगर आपने ये सब मैनेज करना सीख लिया तो क्रॉनिक डिजीज पॉसिबल ही नहीं है कि आपको हो जाए। तो बेसिकली हमारा जो मोटो है कि बी योर ओन डॉक्टर, आपकी किचन ही आपका हॉस्पिटल है, हम उसी थेरेपी पे काम करते हैं। एंड आप एक्चुअली में आपका जो टेस्टिमोनियल है, इट विल बी लाइक लोगों के लिए एक मिसाल होगा कि लाइक एट द एज ऑफ 67 यू आर फिट एंड फाइन आफ्टर द बाईपास सर्जरी, आपका सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपका आपका जो डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन ऑफ हो चुका है। एंड थैंक यू फॉर योर इनपुट्स एंड फॉर योर टाइम। थैंक यू। धन्यवाद।